हेलो गाइस, वेलकम एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं रिया दीदी माही, मेरी मम्मी एंड रिया माही की मम्मी, हम सब लोग जा रहे हैं टुंगारेश्वर वसई में। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, रिया दीदी लोग जा चुके हैं पहले भी, एंड हम लोग देखेंगे कि कैसा वहाँ पे सब है। मतलब बोलते हैं वहाँ पे अच्छा सा मंदिर है, वहाँ पे झील है, अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो वहाँ पे झरने होते हैं। तो अभी लेट्स सी, देखते कैसा है। मेरे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी, थोड़ा मेरे मूड को देख के लग नहीं रहा होगा क्योंकि सुबह ऑलरेडी ये प्लान कैंसिल हो चुका था, बट अभी वापस से मतलब बोल दिया कि चलो जाते, तो थोड़ा उस वजह से थोड़ा मूड ख़राब है और थोड़ा सर्दी खांसी भी है। एंड एक और रीज़न से मूड ख़राब है क्योंकि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं चिंतामणि के पट पूजन में जाऊँगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ क्योंकि उसी दिन मेरे घर पर भी महारुद्राभिषेक था, तो नहीं जाना हुआ। मैं बहुत सैड था, वो भी पूजा मेरे हाथों होने वाली थी इसीलिए मेरे को रुकना ही पड़ता, तो फिर मैं नहीं जा पाया एंड बहुत सैड लगा मुझे, वैसा बहुत अजीब लगा। फिर मैं बोला चलेगा ठीक है, आगमन में ज़रूर जाएंगे, तो आगमन का वीडियो आएगा कंपलसरी, कुछ भी करके लाऊंगा मैं। आप लोग को देखना है, उसको भी सपोर्ट करना है, ये वीडियो को भी एंड तक देखना है एंड मज़े करना। आ गए हम सेकंड ब्लॉग लेके। अरे बाप रे, हमारी कष्ट देखो, मेहनत देखो, हमारी मेहनत देखो, रुको दिखा, ये वीरेन को देखो। सो एवरीबॉडी, और मैं पानी की गहराइयों में चारों तरफ बस मम्मी रही, मैं गिर कचरा ही कचरा, रुको रुको आ रहा हूं। तो गाइस, आज हम आए हैं टुंगारेश्वर, भोलेनाथ के दर्शन करने वसई में है। और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि वाटरफॉल भी जाएं, लेट्स सी क्या होता है। और कुछ गिरे कुछ नहीं, मैं बहुत गर्दी थी, हम लोग एक तो पहले ही लेट, हम लोग इतने गर्दी में वड़ा पाव खा रहे थे ना, थोड़ी और रहते तो हम लोग दूसरे का खा लेते वड़ा पाव। चाय कैसी लगी? मुँह कहाँ है, क्या बोल रहे थे? चाय कैसी लगी? मैं नहीं पिया चाय, मीठा आजकल पतला हो रहा है। तो अभी यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर जाना है हमें भोलेनाथ के दर्शन करने। तो हम आपको बताते हैं, हम लोगों ने सुना है, इन्होंने शायद देखा भी है कि वहाँ पे मस्त झरना है। बहुत लोगों से सुनने में आया कि ऊपर जाके झरना है, वाटरफॉल अभी बड़ा मजा आगे है। ऐसे ही सही थी। यहाँ पे अलग ही ग्रीनरी है, आ गई है यहाँ से। 3 घंटा चल के जाने, ऊपर 3 घंटा नहीं चलना है, सॉरी 3 किलोमीटर चलना है। हमें भी चलना है, पानी मिलने वाला है जिसमें हमारे घुटने तक का पानी रहेगा, तो आप देख सकते हो वहाँ दिखा। वो भी आधा पानी आ गया, देखो अभी बता रहे करें। अरे भाई साहब डैम है आगे, देखो यहाँ से हम लोग संभल के जाने पड़ेंगे। हाँ जाओ धीरे से जाना, वीडियो के चक्कर में नहीं पैसे मर जा भाई। गाइस ये देखो, सब लोग यहाँ से चल के जा रहे हैं, हम लोग रिस्क नहीं ले रहे, मतलब मुझे लेना है, ये लोग लेने नहीं दे रहे। ये देखो नीचे देखो, सब ऐसा देखो फिट फिट के जा रहे, आधा आधा मतलब किसी के पेट तक, किसी के घुटनों तक। ये देखो भाई, ये देखो नीचे कैसे जा रहे हम लोग। मेरी मम्मी श्री हरी डर रही है मम्मी, मज़ा आ रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल चीज़। आपको कैसा लग रहा है? धीरे 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 डर रहे सब लोग। तो गाइस काफ़ी कठिन रास्ता है, काफ़ी कठिन है। हाँ मैं निकाल रहा हूँ ना वीडियो, आप चलते रहो। सब लोग ऐसा, वो ये बहुत सही है, ये एक्चुअली ये सही टाइम है यहाँ पे आने का ना। चलिए यहाँ पे कुछ मस्त है ना ग्रीनरी, यहाँ पे आपको मामू भी मिलेंगे ऐसे वाले, देखो सांप वाप भी बहुत मिलेंगे, इतना मस्त है ना। एंड ये ही सही टाइम है यहाँ पे आने का, क्या मेरे जैसे? हाँ तो ठीक है ना, देखो जहाँ मतलब कर देते, हाँ ऐसा टाइम नहीं छोड़ते कि बेइज्जती ना कर दूँ। हाँ ना इसमें देख लो, लिपस्टिक चेक हो रही है।
यार अभी तो बहुत चलना है, और पैर ना पानी में ना जूते मतलब जूते में पानी भरने से इतना भारी भारी हो गया पैर, और ठंडा ठंडा भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है। हाँ सॉक्स भी वेरी गुड गाइस, यू आर अ बेस्ट गाइस, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, यू नो, संभाल के संभाल के। तो देखो गाइस कैसे सब लोग मस्त से भीग रहे हैं यहाँ पे पानियों में, पिकनिक चल रहा है सबका, ये देखो सब बच्चे बूढ़े सब एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग भी करेंगे ऊपर जाने के बाद, अभी हमारे आधे ग्रुप वाले आगे हो गए, आधे ग्रुप वाले पीछे हो गए, पता नहीं क्या कैसे करना है। तो गाइस अभी हम लोग बीच रास्ते में रुके थे कुछ स्नैक्स लेने, रिया दीदी ने भी वो ले लिया है देखो हाथ में उनके, एंड अभी हम लोग ने देखा यहाँ पे शेषनाग का मंदिर भी है बीच में, इधर पीछे देखो पब्लिक अंदर भीग रही है, शेषनाग का देखो पीछे मस्त, यहाँ पे पूरा अच्छा सा मेरे को एंगल नहीं मिल रहा बट बहुत सही देखो, एंड जगह ना आने जगह आप लोग मुंबई से बाहर रहते हैं, मुंबई में रहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, वसई स्टेशन आ जाओ, वहाँ से बोलो टुंगारेश्वर मंदिर के लिए रिक्शा, हाँ और 50 शेयरिंग में आ तक पहुँच जाओगे, फिर वहाँ से चल के मस्त अच्छा मजा आएगा उसको। आप हाँ आप बोलो क्या है, श्री राम कंदमूल फल है। अच्छा कितने का ये, 50 का 7 सौ का 15। अच्छा ठीक है, श्री राम कंदमूल फल, कंदमूल फल, श्री राम कंदमूल फल, मतलब ये कैसा और इसका टेस्ट कैसा है, ठंडा मीठा ठंडा मीठा ठंडा मीठा ठंडा और मीठा रहता है का भाई, वो ठीक है श्री राम कंदमूल है, कंदमूल है। तो गाइस देखो हम लोग ट्राई कर रहे हैं श्री राम कंदमूल फल, ये देखो पिज्जा जैसा शेप है, ये कहाँ पे था, जहाँ वनवास हुआ था, कहाँ पे, चित्रकूट में श्री राम जी ने खाया था, ऐसे दुकानदार बच्चे ने बोला, उस पर भी पीछे लुक के लोग रहते हैं ना परेशान कर रहे, तुमको किसने बोला आके उन्होंने खाया है, ऐसे लोग ना साले पकड़ के मारो ऐसे को, मैंने इसके लिए वीडियो बंद कर दिया, मैं भड़क गया था उन लोग को बड़े सीरियसली, भाई पब्लिक कितनी है, इतना टेस्टी है यार लेजिट बोल रहा हूँ, एकदम ठंडा है स्वीट है बहुत सही, जैसे उसने बोला ना एकदम अच्छा है, मीठा थोड़ा कुछ डिफरेंट है, मस्त तो लग रहा है, आपको कैसा लगा, मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मीठा मीठा है, अब बोलते हैं 1500 रुपये किलो है, एक बच्चा लेकिन मेहनत कर रहा था ना भाई साहब, कितने बड़े बड़े भाई साहब, पब्लिक कहते ही पागल हो गई है यहाँ पे, इतना झरने जैसा है मतलब यार वो मस्त वाटरफॉल भी, अभी ऊपर तो वो दीदी बोल रही थी इससे अच्छा है, पागल हो गए कतई ही धांसू है, रगड़ निकाल देनी है यार, ये पेड़ देख के इतना मजा आ रहा है ना मेरे को, अभी नेक्स्ट संडे का भी हो गया है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट संडे, कैनरी के, हाँ भी कुछ ऐसा ऐसा ही सीन है, अभी तो वहाँ पे हम लोग तो कितने 4-5 साल हो गए मैं गया नहीं, कैनरी केव्स नहीं गया मतलब, वहाँ पे भी मतलब अच्छा रेनोवेशन किया है पूरा मस्त बनाया है उसको, तो देखने लायक है वहाँ पे, आप गए हो अभी नेशनल पार्क, अभी रिसेंटली कब गए, रिसेंटली मैं बस नीचे तक थी ऊपर गई नहीं, मैं कैनरी केव्स गया हूँ बहुत बार बट अभी 4-5 साल में नहीं गया, लॉकडाउन हुआ, और हाँ भाई बंदर तो बहुत आपके हाथ से सामान लेके भागेंगे, मेरे मैंने अपना है ना, मैंने अपना एक चिप्स का पैकेट अपने बैग के पीछे रख दिया था, वो बंदर मेरे पास आया और मेरे चिप्स का पैकेट छीन के लेके चले गया, उन लोग को उतना दिमाग रहता है ना मतलब पैकेट में से खोल के खाना है पूरा, मेरा आवाज ना बहुत कम आ रहा होगा, एडजस्ट करो अभी कुछ नहीं कर सकते, बहुत शोर है पीछे, थक गए अभी ऊपर ऐसी पूरी चढ़ान जैसी, देखो तो गाइस आपको ऊपर का भी शॉट दिखाता हूँ, ये देखो इतना मस्त वेदर है ना गाइस, अभी रिया दीदी उनके फ्रेंड लोग से मिल रही है स्कूल फ्रेंड से, तब तक मैं साइड में खड़ा हूँ, एंड देखो यहाँ पे ऐसी कार फैसिलिटीज भी होती है, जिन लोगों से चढ़ने में प्रॉब्लम होती है सीनियर सिटीजन्स को, जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है ऐसे लोगों का, बट तो भी मैं चढ़ रहा हूँ, मेरे में हिम्मत है दम है तो सब है, तो ऐसी फैसिलिटीज़ भी है कार की, रिक्शा की भी है, पर्सनल बाइक्स की भी है, बट बाइक्स थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि ये पूरा ना गीला जगह है ना, तो थोड़ा और रिस्की हो जाता है, बाकी सब टिकट पीछे का देखो ना बहुत अमेजिंग है, जूम करने में थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा बट ऐसा क्लियर, अभी ऊपर से मैं जाके ना थोड़े से
थोड़ा हाई शॉर्ट्स लूंगा, ऊपर से थोड़ा मेरी जो बड़े वाले स्टैंड है ना उससे लूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। भाई नीचे डैम जैसा है भाई, पानी इतना ठंडा है ना गाइस, इतना ठंडा पानी ना उतना अच्छा लग रहा है उसकी वजह से, मस्त है। अभी इन लोग की हालत टाइट हो गई थोड़ी सी, देखो शक्ल देखो, 12 बजे वो तो चढ़ भी नहीं पा रही है, बट मज़ा आ रहा है तो कुछ नहीं चढ़ने का, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब पूजा का भी सामान मिलता है नीचे, अच्छा है सब चीज़। एंड अभी और चढ़ाई देखते लोग, आंटी को अच्छा लग गया इधर देखने का, अपर डाउन थक गया, मेरे को भी थकान लग रही है। राम 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 राम, जय श्री राम, जय भोले राम, बम बम बोले, दिल के राज खोले, हर हर महादेव। यार एक तो यहाँ पे कुछ वो भी नहीं ना, नेटवर्क आ रहा है कि मैं गाने सुनते सुनते चढ़ जाऊँ। अब जब ऐसा टाइम पास हो रहा है तो मोबाइल खोल के वीडियो बना ले रहा हूँ, बाकी सीन बहुत सही है। वैसे सब लोग मुझे घूर के जा रहे ना, इतना मज़ा आ रहा है ना देख के, चलो कि भाई ब्लॉग बना रहे ब्लॉग बना रहे, बोला हाँ बना रहा हूँ। कांवरिया पीछे देखो, सब कांवरिया भी जा रहे, जिन लोग को नहीं मतलब पता होगा वैसा बोलते हैं अपने घर से 2 लोटा पानी लेके आते हैं, एक गंगा जल होता है और एक गंगा जमुना बोलते हैं ना, या मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ मालूम नहीं, एक तो गंगा होती इतना मालूम है गंगे माँ, तो वो अपने घर से लेके आना होता है और मतलब कोई भी देवस्थल शिव जी के देवस्थल पे हाँ चढ़ा सकते हैं अभी। हाँ तो सबसे ज़्यादा देखो ना बाबूनाथ में इतनी भीड़, बाप रे लाखों की पब्लिक हर दिन आती है, ऐसा ही सीन चल रहा है भाई, जिंदगी बड़ी कठिन है ना, वेरी टफ। देख लो भाई साहब ऐसे होते भाई, पता चला झपट्टा मार लेगा मेरे फोन पे, वो देखो 2 पीछे बैठे, बहुत सही यार, एक उधर है एक इधर है, दोनों मंकी देखो एक दूसरे को कैसे देख रहे, आपको ही बोल रहे। यहाँ पे लोग ऐसा लाइन में खड़े इतने पहले से, ठीक है, और उन लोग को मालूम ही नहीं है, शिव शंकर भोले भंडारी की जय, उनको मालूम भी नहीं है कि किस चीज की लाइन है, बाद में पता चलेगा बाथरूम की लाइन इतनी लंबी खड़ी है, उन लोग को लग रहा है मंदिर की लाइन है। अरे तो अरे तुमको पूछा ना किधर है तो बोलते हमको पता नहीं, हम ऐसे ही खड़े सब खड़े थे, तो अब फिर आगे जाके किसी को पता चलेगा कि बाथरूम की लाइन है तो। गाइस मंदिर के बाहर हम लोग पहुंच गए एंड अभी पूरा बारिश होने वाला है, सब लोग खड़े हैं, बारिश है भाई साहब, बहुत जोरदार आएगी बारिश, गाइस आ गई बारिश, आवाज अब कम आ गई, हम चिल्ला के बोलना पड़ेगा बारिश आ गई, वो भाई बहुत जोर से आ रही है, कैमरे में दिखता नहीं यार ऐसा, बट आ रही है थोड़ा सा, वो देखो दिख रहा होगा, दिख रहे यहाँ सब छतरी में हम लोग दिख रहे हैं कश्मकश में जिंदगी चलते हुए। हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर महादेव, हाँ आवाज आ रही है, आ गया आ गई, यही चाहिए भाई साहब, पीछे देखो पीछे एकदम ब्लर ब्लर हो गया, मुझे लग रहा है यार बाल खराब हो जाते हैं, अभी पूरा जगह ये एक चूल्हे लगा मेरा, क्लियर आ रहा है थोड़ा बहुत।
बारिश आने लगी, हम पूरी तरीके पूरे भीग गए हैं। जो चाहिए था वो हो गया, बहुत जोरदार बारिश है, बहुत जोरदार। मतलब ऊपर वाटरफॉल है बट अलाउड नहीं है, एक केस हो गया है शायद से, एक लड़का वहाँ पे मिल नहीं रहा है, नहाते नहाते पता नहीं क्या हो गया उसका। अभी 5-6 घंटे पहले अभी तक मिला नहीं है वो, तो सब लोग बोल रहे हैं कि अभी मतलब पुलिस ने यहाँ पे रोक लगा दी है, नहीं जाना है, नहीं मिल रहा है जाने के लिए। कोई बात नहीं, हम बारिश में भीगेंगे और क्या, मजा आ रहा है। बीच में नाले मिल जाएंगे, उसमें कूद जाएंगे। ओ भाई व्हाट्सअप गाइस, और अब बीक के सूख चुके हैं हम लोग। और नॉर्मली ये देखो मेरा सोनू भैया, इनको कब से मैं ढूंढ रही थी, ये मस्त एकदम 3 किलोमीटर आगे गाड़ी से हम चल के गए हैं, हम चल के आए, हमको पूछने का भी कष्ट नहीं किया कि यार आना है बैठना है। गाड़ी कभी नहीं डाला मैंने तो, हमें पहले लगा ये इंसान अच्छे नहीं है बट दिल के बहुत अच्छे हैं, हमारी लाइन में जगह बनाई। अरे यार इतना बारिश आ रहा था कि पूछो मत, वीरेन और मैं तो भीग ही गए हैं। लाइन देखना है, लाइन लाइन लाइन, कौन सी लाइन, बारिश आ रही है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट भाई, लाइन तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही, लाइन पे लाइन है, और ऊपर से है ना इधर बहुत सारे लोग ना बीच में भी आ गए। साफ लफ्जों में लिखा है शान्यता, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सब चिल्ला रहे, सब चिल्ला रहे, चिल्ला नहीं रहे, हाँ जयकारा लगा रहे, हाँ वो बात ठीक है, ये अच्छी बात है। यार 10 घंटे लाइन में खड़े हो गए, 1-2 घंटा हो गया। हेलो गाइस, लाइव टेलीकास्ट भी चल रहे हैं यहाँ पे, और मंदिर में एंटर हो गए हम लोग, जयकारे चल रहे गाइस। हम लोग के दर्शन एकदम अच्छे से हो गए, इनको भगा रहे थे, बैठी हुई थी नीचे, हटी भी नहीं, हम लोग सब भाग भगा के आ गए थे, मम्मी भी थक गई है, ये भी थक गई है, मैं नहीं भागी, मेरे को अच्छे से दर्शन चाहिए भाई। हाँ, मैं भी साइड में रुका, अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा नाश्ता पानी कर लेंगे, वीडियो को इधर भी एंड कर देता हूँ मैं, जो कहेंगे आपको दिखा देता हूँ, एंड रेडी हो जाओ नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तो अभी देखो रिया दीदी ने ले लिया है, हाँ, और भी पीछे लड़ाई हो रही है कि बहुत महंगी है, कैसी है बताओ, हाँ इधर तो देख लो पहले कैसा है, मैं भी ट्राई, हम भी एक लेंगे। अच्छा डमरू वाला ऊपर कलास र
तो गाइस ये देखो अभी मैंने ये ले लिया, मेरे नाम का किचन वीरेन, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था मिलेगा बट मिल गया वीरेन, मस्त लग रहा है। इसको मैं किचन में लगाऊंगा नहीं तो बैग पे लगाऊंगा, इस किचन को मेरे बैग पे लगाऊंगा। ये डर गया आपने से। इधर भी है छोटे छोटे, है छोटा सा। गाइस हम लोग के दर्शन हो गए, हम लोग बहुत ज़्यादा ही थक गए, तो इतना भी दमने के जाते जाते अभी वीडियो भी बना है, तो वीडियो को इधर ही एंड करता। देखो हम लोग अभी उतर ही रहे नीचे, आधा रास्ता भी क्रॉस कर लिया, बाकी का रिया दीदी बोलेगी क्या बोलूँ। मम्मी भी थक गई, हम लोग भी थक गए। और आप सावन का महीना है, बहुत अच्छी बात है आना, भोलेनाथ के दर्शन देना। बाय बाय बाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। नीचे भाई साहब पूरा घुटना चला गया, पूरा भीगा हुआ और फिर नीचे से मट्टी उधर हो रही है। शंकर